हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर ऑन फिजिक्स चैनल वन एकेडमी फिजिक्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। बच्चों, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल एंड व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, लेट्स स्टार्ट। एन ऑब्जेक्ट दैट इज फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई ऑब्जेक्ट को जब हम थ्रो करते हैं तब वो फ्लाई करेगा, और जो फ्लाइंग वाला मोशन होगा उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। बच्चों, ये मोशन कैसा होता है, उसका पाथ कैसा होता है, ये हम डायग्राम से समझेंगे। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल जिसको हमने किक मारा, तो फुटबॉल कुछ इस तरह से मोशन करेगा, क्लियर। उसका पाथ क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है। सर्कुलर पाथ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा। हमने इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाला जो है वी नॉट। इस टेंजेंट ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है थीटा, तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया है उसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल एंगल। बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोजेक्टाइल एंगल वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वी नॉट कॉस थीटा नॉट एंड वी नॉट साइन थीटा नॉट। ओके, जैसे जैसे मोशन आगे बढ़ता जाएगा उसी तरह हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट्स मिलते जाएंगे। बट एट द टॉप, बच्चों टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखिए ध्यान से, हमें जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल मिलेगा। ओके, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, जीरो होता है, बिकॉज पीक पे वेलोसिटी जीरो होती है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों यहाँ पे जीरो होता है, ये आप याद रखना, वी वाई यहाँ पे जीरो होता है। फिर हम जैसे जैसे नीचे आएंगे हमें वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि नीचे की ओर मिलेगा, बट हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंटली रहने वाला है, और आफ्टर हम यहाँ पे ग्राउंड पे आ जाएंगे। ओके, तो देखिए इनिशियल ग्राउंड पॉइंट से फाइनल ग्राउंड पॉइंट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन रहा है उसे हम बोलते हैं रेंज, आर बोलते हैं। ओके, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे बोलते हैं हम एच, हाइट बोलते हैं। ओके, तो ये था कुछ डायग्राम के बारे में। अब हम डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे। बच्चों, क्या गिवन है, सपोज इनिशियली इनिशियली हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल यहां पे है। ओके, तो उसका पोजीशन क्या होगा, एक्स नॉट वी नॉट होगा, इसे हम बोलेंगे जीरो जीरो। ओके, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, दो कंपोनेंट, वी नॉट एक्स जो होगा वी नॉट कॉस थीटा नॉट, दूसरा होगा वी नॉट वाई जो होगा वी नॉट साइन थीटा नॉट, क्लियर है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की। बच्चों, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है ए वाई जो माइनस जी होगा, और ए एक्स जो क्या होगा, जीरो होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये एक्स क्यों जीरो होगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन विथ कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड कॉन्स्टेंट वर्टिकल एक्सेलेशन। बच्चों, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल कोई भी पॉइंट पे होगा अपने मोशन के ड्यूरिंग, उसका एक्सेलेशन नीचे होगा, वर्टिकल एक्सेलेशन उसका कॉन्स्टेंट रहने वाला है। दूसरी चीज आप ध्यान से देखें कि हर एक पॉइंट पे उसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कॉमन रहता है। बच्चों, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है मतलब कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलेशन जीरो है, इसलिए यहाँ पे x हमने जीरो लिख दिया। बच्चों, ओके, अब बात करते हैं आफ्टर टाइम टी। बच्चों, आफ्टर टाइम टी की हम बात करेंगे, तो टी टाइम के बाद सोच लेते हैं कि वेलोसिटी क्या बन रही है। बच्चों, तो हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन है वी वी नॉट प्लस ए टी। ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू वी इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी हम पहले x कंपोनेंट लिखेंगे जो होगा v नॉट x प्लस x इंटू टी। ओके, यहाँ पे वी एक्स, बच्चों v नॉट x हमारे पास क्या है, v नॉट x है v नॉट cos थीटा नॉट, v नॉट cos थीटा नॉट, और x हमारा क्या है, जीरो है, तो ये आपका इक्वेशन वन बन गया। अब आप y कंपोनेंट निकाल लीजिए तो क्या होगा, v नॉट y प्लस ए वाई इंटू टी। V not, y की वैल्यू क्या है बच्चों, V not y की वैल्यू है हमारे पास V not sin theta not। ओके, एंड माइनस a y के बदले क्या लिखेंगे, g, तो ये g हो गया और ये हो गया t नंबर टू। हमने क्या किया,
आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल दिए। नाउ नाउ बच्चों, आफ्टर टाइम टी कंपोनेंट ऑफ पोजीशन निकालेंगे फ्रॉम आवर इक्वेशन आर वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम क्या निकालेंगे, हम पोजीशन के कंपोनेंट निकालेंगे। चलिए पहले एक्स कंपोनेंट निकालते हैं, तो एक्स लगेगा आर के बदले एक्स, यहाँ पे वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। चलिए बच्चे वैल्यू प्लेस करिए, वी नॉट एक्स क्या होगा आपका, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, वी नॉट कॉस थीटा नॉट इन टू टी हाफ। एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, जीरो है। अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो आपको एक्स लिखना ही नहीं है, ये टर्म हो जाएगी जीरो, ये आपका नंबर थ्री बन गया। अब वाई कंपोनेंट की बात करेंगे बच्चों, तो y कंपोनेंट क्या होगा आपका, v नॉट y इंटू टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। चलिए v नॉट y क्या है, तो आपका v नॉट y ये रहा v नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ ए वाई के बदले हमें माइनस जी लिखना है, तो यहाँ पे माइनस जी हो जाएगा और ये टी स्क्वायर। नंबर फोर बच्चों, इतना तो जरूरी है, इतना तो इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, इनिशियल टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी के पोजीशन के कंपोनेंट्स लिखने हैं और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स लिखने हैं, देन आफ्टर आफ्टर टाइम टी आपको वेलोसिटी के और पोजीशन के कंपोनेंट्स लिखने हैं, इतना कॉमन हो गया, क्लियर। अब हम अलग अलग चीजें फाइंड करेंगे। चलिए तो हमने 1 to 4 इक्वेशन तो ऑलरेडी डिराइव कर लिया है। चलिए फर्स्ट हम फाइंड करेंगे टाइम, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे टाइम टू रीच 8 मैक्सिमम हाइट, है ना। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड आउट टाइम टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट बाय द प्रोजेक्टाइल, तो आपको ये मेथड करनी है। अब देखिए यहाँ पे इनिशियली हमारा पार्टिकल ग्राउंड पे था और उड़ता उड़ता यहाँ पे पहुंचा, ये हो गया उसका मैक्सिमम हाइट। बच्चों जब पार्टिकल हमारा मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है ना, तो उसका वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो होता है। ओके, तो हमें ये पता है 8 मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, जीरो। ओके, तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कहां पे है, देखो इस इक्वेशन में से ये रहा, तो यहां पे वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी इक्वल टू जीरो। अब t के बदले tm लगा दीजिए, तो वी नॉट साइन थीटा नॉट इक्वल टू जी इंटू tm, आपको मिलेगा tm वी नॉट साइन थीटा नॉट बाय जी। बच्चों दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट, इतने टाइम में प्रोजेक्टाइल पार्टिकल मैक्सिमम हाइट ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब यहां से यहां जाने का टाइम हो गया उसका टीएम। अब आपको तो पता है जितना टाइम ऊपर नीचे से ऊपर जाने में लगता है, उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लाइंग टाइम बच्चों, टी एफ जो होता है 2 टीएम। व्हाट इज फ्लाइंग टाइम, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स रिमेन इन द एयर, जब तक हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल एयर में रहता है फ्लाई करता है उसे बोलते हैं फ्लाइंग टाइम। तो देखिए यहाँ पे ग्राउंड पे था और यहाँ से इतना होगा टीएम के लिए, यहाँ से नीचे आने का टाइम भी क्या हो गया बच्चों टीएम, तो ये ग्राउंड से ये ग्राउंड के पॉइंट पे आने का टाइम क्या था 2 टीएम, इसे हम बोलेंगे फ्लाइंग टाइम। तो खाली आपको टीएम को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट बाय जी। तो बच्चों ये हो गया आपका फ्लाइंग टाइम, दिस वन इज योर फ्लाइंग टाइम इक्वेशन, क्लियर है, प्लीज नोट डाउन। अब बच्चों बात करते हैं फोर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन निकालना है तब भी आपको ये 4 इक्वेशन तक तो लिखना ही है। अब क्या चेंज करना है जरा देखिए ध्यान से, फॉर्म 3 आपको 3rd इक्वेशन में से टाइम मिल जाएगा, टाइम क्या होगा x by v नॉट cos थीटा नॉट, उसको आपको पुट करना है, पुटिंग इन 4 के अंदर पुट कर दीजिए, देखिए क्या होगा y v नॉट sin थीटा नॉट, t के बदले आपका x by v नॉट cos थीटा नॉट माइनस हाफ जी, टी के बदले एक्स बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट। ओके, और यहाँ पे आएगा स्क्वायर। तो बच्चों आपका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे लिखेंगे हम
वी नॉट, वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा टेन थीटा नॉट इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे हाफ है। ओके अब देखिए जी ये एक्स स्क्वेयर है, नीचे क्या आएगा वी नॉट स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा नॉट, तो दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन निकालना है बच्चों, तो क्या करना है आपको, नंबर थ्री में से टी को ऑब्जेक्ट बना के नंबर फोर में प्लेस कर देना है। ये आपका वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट का रिलेशन है, सिंपल सी चीज है। ओके इतना ही चेंज करना है आपको। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट बच्चों, अगर आपको मैक्सिमम हाइट एच निकालनी तो क्या करोगे, तो बच्चों सोचिए कि मैक्सिमम हाइट एच क्या होती है, एच होती है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन, है ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन क्या होगा एच होगा। ओके तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपको वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा दिख रहा है जरा ध्यान से देखिए, तो वर्टिकल कंपोनेंट वाई होगा। ओके तो टू गेट मैक्सिमम हाइट बच्चों इन इक्वेशन वाई इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, आपको टी के बदले क्या लिखना है टीएम लिखना है, जो होता है वी नॉट साइन थीटा नॉट बाय जी। बच्चों ध्यान रहे कि हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल मैक्सिमम हाइट ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो कितने टाइम में करेगा टीएम टाइम में करेगा, तो आपको उसके वाई कंपोनेंट के अंदर टी के बदले टीएम रखना है। ओके हम वही कर देंगे, देखिए वाई लिखा वी नॉट साइन थीटा नॉट टी के बदले टीएम यानी वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी माइनस हाफ जी वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी का स्क्वेयर। चलिए क्या होगा फर्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है बच्चों, ओके एंड ऑल्सो आपको y के मतलब एच लिखना है क्योंकि अब ये आपका हाइट हो जाएगा। चलिए v नॉट साइन थीटा नॉट, तो v नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा नॉट बाय जी, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों देखिए यहाँ पे g है और यहाँ पे g का स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा v नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा नॉट, नीचे बचेगा 2g। अब आपको करना क्या है भाई, आपको v नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा नॉट बाय g को अलग करना है, बाहर निकालना है, तो 1 माइनस 1 बाय 2 बचेगा, 1 माइनस 1 बाय 2 क्या होता है 1 बाय 2, तो यहाँ पे आपका h मिलेगा v नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा नॉट बाय जी। इन शॉर्ट बच्चों अगर आपको मैक्सिमम हाइट h निकालना है तो आपको क्या करना है, टाइम t के बदले ta, टाइम t के बदले tm v नॉट साइन थीटा नॉट बाय जी को इस इक्वेशन में रखना है, तो आपको क्या मिल जाएगा मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। ओके बच्चों अब बात करते हैं रेंज की, यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, मतलब कि पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। ओके तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का कंपोनेंट हमारे पास कौन सा है एक्स है। ओके सो इन इक्वेशन बच्चों यहाँ पे हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा, इन इक्वेशन एक्स v नॉट cos थीटा नॉट इंटू टी, आपको x के बदले r लिखना है क्योंकि हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वही रेंज बनेगा, बट वो रेंज कब बनेगा जब हमारा पार्टिकल टोटल 2tm टाइम तक फ्लाइट करेगा, तो आपको t के बदले क्या लिखना है बच्चों tf लिखना है, जो होता है 2tm और होता है 2 v नॉट sin थीटा नॉट बाय जी। चलिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो अब r इक्वल टू v नॉट cos थीटा नॉट t के बदले 2 v नॉट sin थीटा नॉट अपॉन g, क्लियर। अब r क्या बनेगा v नॉट स्क्वायर इनटू 2 sin थीटा नॉट cos थीटा नॉट अपॉन g, बट बच्चों आपको याद है मैथमेटिकल इक्वेशन 2 sin थीटा नॉट cos थीटा नॉट क्या होता है sin 2 थीटा नॉट, तो आपका रेंज क्या मिलेगा v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा नॉट अपॉन g, so this one is the equation of range occupied by projectile particle, तो इस तरह से हम रेंज भी निकाल सकते हैं। ओके बच्चों अब देखते हैं क्विक रिवीजन, पूरी थियरी के ऊपर हमने किस तरह से सारे के सारे टर्म को डिराइव किया है। देखिए
पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, फिर डायग्राम पे आ जाते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है जो मोशन इन अ प्लेन शो कर रहा है। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन, तो एक्स प्लेन में मोशन हो रहा है। यहाँ से पार्टिकल प्रोजेक्टाइल हो रहा है, उसका इनिशियल प्रोजेक्टाइल एंगल थीटा जीरो है। ओके, वर्टिकल पे क्या होता है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और वर्टिकल कंपोनेंट उसका होगा जीरो। ओके, ये जो पार्टिकल हमारा था वो इनिशियली कहाँ पे था, ओरिजिन पे था, तो इनिशियल कंपोनेंट होंगे उसके एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल टू जीरो जीरो। ओके, फिर वेलोसिटी के इनिशियल कंपोनेंट क्या होंगे, वी नॉट एक्स, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, वी नॉट वाई, वी नॉट साइन थीटा नॉट। कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, ओरिजिनल कंपोनेंट एक्स जीरो होगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा माइनस जी। ओके, अब बात करते हैं आफ्टर टाइम टी। तो आफ्टर टाइम टी हमें ये इतने इक्वेशन डिराइव करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी के इक्वेशन पर से हम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को डिराइव कर लेंगे। देखिए v इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी, तो पहले x कंपोनेंट डिराइव करना है, तो वी एक्स वी नॉट के बदले वी नॉट एक्स प्लस वेक्टर के बदले ए एक्स इंटू टी। ओके, ये सारी वैल्यूएशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। वी एक्स एज इट इज रहेगा, वी नॉट एक्स हमारा यहाँ पे है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट प्लेस कर दिया और एक्स हो गया जीरो, तो ये इक्वेशन वन मिल गया। उसी तरह बच्चों यहाँ पे हम वाई कंपोनेंट लिख सकते हैं, वेक्टर वी के बदले वी वाई, वेक्टर वी नॉट के बदले वी नॉट वाई, वेक्टर ए के बदले ए वाई इंटू टी। ए वाई क्या है हमारा माइनस जी है और वी नॉट वाई क्या है वी नॉट साइन थीटा नॉट, तो ये हमें इक्वेशन नंबर टू मिला जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। उसी तरह कंपोनेंट ऑफ पोजीशन की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास पोजीशन का इक्वेशन है आर वेक्टर वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसका पहले हम एक्स कंपोनेंट लिख लेंगे, उसमें वी नॉट एक्स और ए एक्स की वैल्यू रखी, तो हमें एक्स कंपोनेंट मिला वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी, ये इक्वेशन थ्री बन गया। उसी तरह वाई कंपोनेंट का इक्वेशन क्या बनेगा, वाई वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने वी नॉट वाई और ए वाई की वैल्यू प्लेस कर दी। ओके, वी नॉट वाई कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ए वाई कहाँ से आएगा, यहाँ से आ गए, तो हमें वाई मिला वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये चार इक्वेशन तो इम्पोर्टेंट है ही बच्चों, यहाँ से ही रास्ता जाएगा सारे इक्वेशन को डिराइव करने का। ओके, चलो कोई आपको पूछता है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो बच्चों यहाँ तक का काम आपको करना है। अब क्या करना है, सिंपल देखो, पुटिंग t इक्वल टू एक्स बाई वी नॉट कॉस थीटा नॉट फ्रॉम थ्री, यानी थर्ड इक्वेशन में से t को ऑब्जेक्ट बना के t की वैल्यू आपको सीधा कहाँ प्लेस करना है, फोर के अंदर। फिर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो क्या है, वाई इक्वल टू टेन थीटा नॉट एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। बच्चों ये जो है ना वो इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस और माइनस बी एक्स स्क्वायर टाइप का है, तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है बच्चों, ये क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा पाथ एक्वायर करता है, तो वो पैराबोलिक पाथ पे मोशन करता है। अगर आपको मैक्सिमम टाइम निकालना है कि पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम निकल लगेगा, तो उसके लिए क्या करना है आपको, टू गेट मैक्सिमम टाइम आपको वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो लेना है, बस आपको टाइम मिल जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी। अगर आपको फ्लाइंग टाइम फाइंड करना है बच्चों, तो आपको ये जो मैक्सिमम टाइम है उसको टू से मल्टीप्लाई करना है, टू टी एफ इक्वल टू 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 एम टू वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी। अगर आपको मैक्सिमम हाइट एच फाइंड करना है, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम हाइट, हाइट मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पोजिशन, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन के अंदर बच्चों ये हमारा वाई का इक्वेशन है ना, यहाँ पे आपको टी के बदले क्या प्लेस करना है, वी नॉट साइन थीटा नॉट बाय जी। आपको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये इक्वेशन मिलेगा जो हमने अभी प्रूव किया है, एक्स इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय जी। अगर आपको रेंज फाइंड करनी है तो क्या करना है, रेंज फाइंड करना है, रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बच्चों एक्स के इक्वेशन के अंदर आपको यहाँ पे जो टी दिख रहा है ना, टी के बदले आपको टी एफ प्लेस कर देना है, आपको आर क्या मिलेगा, आर मिलेगा वी नॉट स्क्वेयर साइन टू थीटा नॉट बाई जी, जिसके सिंप्लीफिकेशन हमने थोड़ी देर पहले करे हैं, बट आप ऑल ओवर इस तरह से पूरी मेथड को लर्न कर सकते हो बच्चों। इसका एक एमसीक्यू हर बार कोई ना कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में जी या तो नीट में आता रहता है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से लर्न करना चाहिए, पर आई होप आप लर्न कर लोगे, प्लीज मेक अ नोट।
बच्चों अब हम कुछ पॉइंट्स को नोट करेंगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल और एमसीक्यू सोल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो बच्चों आप देखिए, डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है। आपको पता ही है कि ये है मैक्सिमम हाइट, ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब कि रेंज हो गई। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होता है? कोई भी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होता है वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और ये आपका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, याद रखना। ओके, अब कोई पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? बच्चों ये इक्वेशन आपको लर्न करना चाहिए, वाई इक्वल टू टेन थीटा नॉट एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर बाय वी नॉट स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा नॉट। अगर आपको कोई पूछता है कि भाई टाइम क्या लगेगा, तो जो टेलीकॉम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम क्या लगेगा बच्चों, टाइम का इक्वेशन भी लर्न करना चाहिए जो है वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी। ओके, अब पूछेगा कि फ्लाइंग टाइम क्या है? फ्लाइंग टाइम मतलब कि इट इज टाइम टेकन बाई टू कम ऑन द पॉइंट एट द ग्राउंड, ओके, आफ्टर प्रोजेक्टाइल मतलब कि प्रोजेक्शन होने के बाद वो जब ग्राउंड पे आएगा तो कितना टाइम लेगा? इट इज टी एफ फ्लाइंग टाइम जो होता है टू टी एम टू वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी। ओके, अब बात करते हैं हाइट की। ये जो मैक्सिमम हाइट ऑक्यूपाई करी है ना, उसका इक्वेशन क्या था? वी नॉट स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा नॉट बाई जी। बच्चों याद रखिए एच है ना, वो साइन पे डिपेंड करता है। अब साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? वन है। ओके, अगर आप थीटा 90 डिग्री ले लोगे, आपको पता है कि साइन 90 क्या होता है? वन, तब ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? वन। आपका एच क्या बनेगा? एच मैक्सिमम बनेगा जो होगा वी नॉट स्क्वेयर बाई जी। तो बच्चों मैक्सिमम हाइट पूछेंगे तो याद रखना, मैक्सिमम हाइट कोई भी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कब ऑक्यूपाई कर सकता है? जब हम उसको 90 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल करवाएंगे तभी कर सकता है। ओके, अगर कोई आपको ये पूछता है कि ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब मिलेगा, तो बच्चों ये रेंज का इक्वेशन है, आर इक्वल टू वी नॉट स्क्वेयर साइन टू थीटा नॉट बाई जी। आपको पता है कि साइन टू थीटा में अगर मैं थीटा 45 डिग्री ले लूंगा तो साइन क्या बनेगा? 90 बनेगा, और तभी क्या होगा? वन, है ना। जब मैं साइन टू थीटा के इक्वेशन के अंदर थीटा की वैल्यू 45 ले लूंगा तो साइन 91 बनेगा, मतलब कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू मुझे साइन 90 पे मिलती है। साइन 90 के लिए मुझे थीटा 45 रखना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर है कि अगर थीटा 45 डिग्री होगा तभी मुझे मैक्सिमम रेंज मिल सकती है, मुझे मैक्सिमम रेंज मिल सकती है जो होती है वी नॉट स्क्वेयर बाई जी। तो बच्चों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट से इक्वेशन है, इसे हमें मस्ट लर्न करना चाहिए। बच्चों अब स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मोस्ट इंपोर्टेंट थियरी। मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बिहाइंड रीजन क्या होता है? बच्चों यहाँ पे रीजन होता है सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं। इसके लिए सोच लीजिए कि हमारे पास एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग इट्स मोशन स्पीड ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है उसका स्पीड कॉन्स्टेंट रहता है, तब उसे बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद रखिए स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन पे होती है। तो पहले तो आपको क्या करना है, कंसीडर करना है पार्टिकल विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके बच्चों, एट पॉइंट पी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वी है, और एट पॉइंट पी डेस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है? पी डेस, वी डेस है। हियर बी एंड वी डेस आर परपेंडिकुलर टू आर एंड आर डेस। बच्चों आर एंड आर डेस क्या है? आर एंड आर डेस आर पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन
और ये ओरिजिन हमने कहाँ पे सोचा है? ओरिजिन हमने सोचा है सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे हमने अगर ओरिजिन सोच लिया है बच्चों, तो ये रेडियस जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा पोजिशन वेक्टर का लेंथ। ओके, सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है? तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, वो होगा बच्चों आर। ओके, अब देखिए हमने क्या करा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे डायग्राम के अंदर हमें दो वेलोसिटी मिली, एक पी पॉइंट पे मिली, एक पी डेस पॉइंट पे मिली। अगर हमें दोनों का रिलेशन निकालना है तो उसको हमें वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक जी पॉइंट से वी और वी डेस वेक्टर को ज्वाइन कर दिया और उनका डिफरेंस हमें मिलेगा डेल्टा वी। और यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल बन गया है जी एच आई। बच्चों ट्राइंगल जी एच आई है वो ट्राइंगल ओ पी पी डेस के सिमिलर होगा। ट्राइंगल जी एच आई ओ पी पी डेस और ओ के सिमिलर होगा। तो यहाँ पे हम अब फोर सिमिलर ट्राइंगल ओ पी पी डेस एंड ट्राइंगल जी एच आई के लिए हम सिमिलरिटी का रूल्स लगाएंगे। सिमिलरिटी का रूल्स क्या है कि एडजेसेंट साइड का रेशियो सेम होता है बच्चों। तो देखिए हम यहाँ पे ओपी अपॉन, यहाँ पे हम ओपी अपॉन जी एच करेंगे। ओके, यानी ओपी साइड और जी एच साइड का रेशियो इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, पी पी डी साइड का रेशियो टू द एच आई का रेशियो। ओके, अब ओपी क्या है बच्चों, हमारे पास ओपी जो है वो रेडियस आर, वो है पोजिशन वेक्टर आर की वैल्यू। पर पोजिशन वेक्टर आर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ओपी होगा आर, जिसे हम कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। जीएच हमारा क्या है बच्चों, तो जीएच यहाँ पे जीएच हमारा जी से एच वो वी है, तो हम जीएच के बदले वी लिख देंगे। पीपीडीएस हमारे पास क्या होगा, पीपीडीएस होगा डेल्टा आर, डेल्टा आर लिख दिया। और एच आई क्या होगा, डेल्टा वी। चलिए सबको प्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा आर वी और यहाँ पे पीपीडीएस यानी डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वी करना है। अब हमें डेल्टा वी को ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वी अपॉन आर डेल्टा आर बचेगा। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे टाइम से, क्योंकि तो पी से पी डेस तक पहुंचने का टाइम उसका डेल्टा टी है। तो देखते हैं क्या होता है, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी बनेगा यहाँ पे, वी बाय आर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ओके बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड में टाइम पीरियड को स्मॉल लेना है, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यहाँ पे वी अपॉन आर, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। बच्चों जब हम लिमिट रखते हैं ना, तो एवरेज होता है कौन, एवरेज कन्वर्ट हो जाता है इंस्टेंटेनियस में। तो यहाँ पे बनेगा डीवी बाय डीटी, यहाँ पे बनेगा वी अपॉन आर डी आर बाय डी टी। बट एज यू नोइंग दैट डीवी बाय डी टी क्या होता है बच्चों, एक्सलरेशन होता है, और ये एक्सलरेशन सेंटर की ओर होता है बच्चों, क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। सपोज यहाँ पे वेलोसिटी है तो एक्सलरेशन उसका परपेंडिकुलर होगा, और कहाँ पे होगा, सेंटर की ओर, इसलिए ऐसे लिख देंगे। और डी आर बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो हमारे पास एसी बनेगा वी स्क्वेयर बाय आर। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों कुछ चीजें याद रखनी है आपको, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज होती रहते हैं। बट यस, एक चीज फिक्स है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर होती है, इसलिए हम बोलते हैं उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें बहुत सारे सिस्टम में देखने मिलता है, जैसे कि कोई न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन होता है एम एस सी, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे हम एसी की वैल्यू लिख सकते हैं एम स्क्वायर बाय आर। तो जब भी सर्कुलर मोशन होगा वहां पे आपको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और
सेंट्रीपेटल फोर्स में जो जो आपका एक्सेलरेशन टेक पार्ट करेगा वो क्या होगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ही होगा। जैसे कि अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वहां पे भी सेंट्रीपेटल फोर्स तो चाहिए। कौन प्रोवाइड करता है वो भी आपको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स टू द अर्थ फॉर सर्कुलर मोशन। तो चेक और एग्जांपल आपके पास है, ओके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन का आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसे भी क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन प्रोवाइड करता है, कूलम्बियन फोर्स। ओके तो इस सारे केसेस में हम ये फंडा लगा सकते हैं।